माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज डॉक्टर स्नेहलता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, RLSY कॉलेज रांची। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर अपॉन इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन, विच इज़ द टॉपिक ऑफ सेमेस्टर 3 ऑफ पेपर 7। तो इसके लिए जो मैंने बुक का रेफरेंस लिया है वो कुछ फिजियोलॉजी की है और कुछ बायोकेमिस्ट्री की है। फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजी में गाइटन और सीसी चटर्जी को लिया है और बायोकेमिस्ट्री में यू सत्यनारायण एंड हार्पर की बुक मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन का मतलब होता है प्रीमिनेंट, और प्रीमिनेंट का मतलब होता है टू होल्ड फर्स्ट पोजीशन। तो ये प्रीमिनेंट नाम जो है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम बर्जेलियस है, 1838 ईस्वी में इस प्रोटीन का नाम प्रीमिनेंट दिया था। इसलिए दिया था कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए लिविंग सेल में स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये दोनों के दोनों ही काम करते हैं, जो कि आगे की ओर मैं बताऊंगी। आगे मैं चलती हूँ कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन जो है ये एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। ये प्रोटीन इज द माइक्रो मोलिक्यूल्स होता है, इसका मोलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। माइक्रो मोलिक्यूल्स होने के कारण इसे गिगेंटिंग मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिगेंटिक मोलिक्यूल्स कहते हैं। इसका मोलिक्यूलर वेट फ्यू थाउजेंड से 10 लाख तक भी हो सकता है। ये जिस चीज़ से बना हुआ होता है उसको एमाइनो एसिड्स कहते हैं। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। तो अब सवाल उठता है कि इट इज़ द पॉलीपेप्टाइड एंड द पॉलीमर। पॉलीमर में भी हेटरोपॉलीमर है। हेटरोपॉलीमर मींस सो डिफरेंट टाइप ऑफ द एमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि फंडामेंटली 20 ही तरह का एमाइनो एसिड्स जो है होते हैं। बट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मोर देन द 20 टाइप्स ऑफ द एमाइनो एसिड्स आर फाउंड। सो हियर द वन एमाइनो एसिड कैन बी रिपीटेड आफ्टर सम इंटरवल। तो इसको रिपीट होते रहता है क्योंकि ज़्यादा एमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन को बनाने में। तो एमाइनो एसिड कैसे बना हुआ है? एमाइनो एसिड जो है उसके एक साइड में NH2 एमाइनो और एसिड, मतलब एमाइनो भी है और एसिड भी है। तो एक साइड में एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप और दूसरे साइड में COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। जब भी बॉन्डिंग होता है टू एमाइनो एसिड्स में, जब डाइपेप्टाइड बनते हैं, तो NH2 ग्रुप ऑफ द वन एमिनो एसिड एंड द COOH ग्रुप द अदर एमिनो एसिड्स के बीच में लिंक के बॉन्डिंग होता है, और COOH ग्रुप से OH और NH2 ग्रुप से H बाहर निकलता है और दोनों कंबाइंड होकर वाटर बनाते हैं। तो वाटर बनाए मतलब कि वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ये रिलीज्ड हुआ। जब दो एमिनो एसिड का लिंकिंग हुआ तो एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर का जो है उसमें से निकल जाता है। दैट मीन्स इट इज़ द कॉन्डेंसेशन प्रोसेस एंड डाइपेप्टाइड इज फॉर्म। इसी तरह से डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा, और बहुत लंबा चेन इन लीनियर फैशन में, याद रखिए ये लीनियर फैशन में जुटते जाते हैं और एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो फ्री एंड होता है तो इसका एक तरफ का फ्री एंड NH2 रहेगा और दूसरे तरफ का फ्री एंड जो है वो COOH ग्रुप लगा हुआ रहेगा। जिस तरफ NH2 ग्रुप रहता है उसको N साइट कहते हैं, और जिस तरफ COOH ग्रुप रहता है उसको C साइट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हेटरोपॉलीमर क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि एमिनो एसिड्स जो है ये इसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह के होते हैं। लेकिन ये एमिनो एसिड जो है हमारा बॉडी जो है ओनली नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का ही फॉर्मेशन करता है, जबकि एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हम लोगों को डाइट के रूप में लेना पड़ता है, बाहरी स्रोत से उसको लेना पड़ता है। एक एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सबसे एविडेंटली पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कोलेजन है, और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा और एविडेंटली पाया जाने वाला जो प्रोटीन है इसको रूबिस्को कहते हैं। तो यूनिवर्स वाला को कहते हैं रूबिस्को, और एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला है उसको कहते हैं कोलेजन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक प्रोटीन जो है क्या है, और प्रोटीन का निर्माण जो है किस तरह ये एमिनो एसिड से ये हुआ है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में। हमने पहले ही बता दिया कि ये जो है दोनों काम करता है, मतलब कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल, स्टैटिक मीन्स स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक, ये दोनों काम जो है एक लिविंग सेल में परफॉर्म करता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल या स्टैटिक काम में ये क्या क्या काम करता है।
तो स्टैटिक काम में हुआ कि ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम आता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट माने क्या क्या बनाता है, बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा एनिमल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है जो कि लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अलावा ये जो है सिल्क वर्म का जो कुकून है बाहर में हार्ड कवरिंग से जो कवर्ड रहता है जिसको कुकून कहते हैं, ये कुकून का भी जो बना हुआ होता है वह भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में कहाँ कहाँ काम आता है, हमारा फिश का स्केल्स हुआ, हेयर्स हुए, नेल्स हुए, फेदर्स हुए, बर्ड में फेदर्स हुए, इंसेक्ट में एग्जो स्केलेटन्स हुए, ये सभी जो है प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल में हम लोग देखें तो कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स कंटेंट्स कोलेजन, इलास्टिन एंड द ओसिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, बोन के ओसिन प्रोटीन बोन बनाते हैं, कोलेजन प्रोटीन हमारे कार्टिलेज बनाने के काम में आता है, तो इस तरह से ये काम में आते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसके अलावा और हम स्ट्रक्चरल में देखें कि क्या क्या बनाने के काम में आते हैं, तो हम विजुअल ऑर्गेन्स जो हमारा आई जो है, आई के रेटिना में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, तो रॉड्स और कॉन्स जो है ये भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। रॉड्स जिस प्रोटीन के बने हुए होते हैं उसको रोडोप्सिन कहते हैं, कॉन्स जिस प्रोटीन से बने हुए होते हैं उसको आइडोप्सिन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे देखने कि क्रिया में हमारे रॉड्स और कॉन्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और ये किससे बना हुआ होता है, तो ये प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो ये इतने जो है कुछ जो है हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में जो काम करता है, स्टैटिक काम करता है, उसके बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा बहुत मैं इसका डायनेमिक फंक्शन के बारे में बता दूँ, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, कि इसका खेल बहुत निराला है, इतना ज़्यादा ये काम करता है, लेकिन मैं मेन काम को ही केवल यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो डायनेमिक काम में जब मैं देखूँगी डायनेमिक फंक्शन कि इसका क्या है, तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। तो मेटा कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए हमें एंजाइम्स, को एंजाइम्स, हॉर्मोन्स वगैरह का काम आता है। तो ये एंजाइम्स, को एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ऑल दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। नॉट ऑल द हॉर्मोन्स बट सम हॉर्मोन्स आर द फॉर्म बाय द प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड द पेप्टाइड, बट ऑल द एंजाइम्स एंड द को एंजाइम्स आर द फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। एंड इसका एंजाइम्स का क्या काम है, इट अल्टर्ड द केमिकल रिएक्शन। ये मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसके केमिकल रिएक्शन को ये क्या करता है कि ये अल्टर्ड कर देता है। और हम डायनेमिक काम में देखें कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। कैसे एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं कि आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इट जेनरेट्स एनर्जी, एट दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म डेली फंक्शंस। डेली का काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी प्रोटीन करता है। और देखें नेक्स्ट काम जो देखते हैं इसका फंक्शन डायनेमिक हम लोग देखें कि ट्रांसपोर्ट, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर, क्या ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये गैसियस माने रेस्पिरेटरी गैसेस को मूवमेंट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग तक ये लाने के काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ भी देख रहे हैं कि डायनेमिक फंक्शन हीमोग्लोबिन जो है ये काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग मूवमेंट में भी देखते हैं, इट इज ऑल्सो ए डायनेमिक फंक्शन। मूवमेंट किस तरह से हमारा मूवमेंट, हमारा मसल्स का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, आई का मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स है, ऑल दीज आर परफॉर्म्ड बाय द मसल्स एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और मूव बाय द एक्शन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फिलामेंट्स, दैट इज द एक्टिन और द मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये फिलामेंट्स होते हैं मसल्स का, और ये दोनों के दोनों जो है प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन एंड द मायोसिन प्रोटीन। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है ये हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में ये काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके वो देखें कि ये डिफेंसिंग
में भी हमारा काम करते हैं, हमारे बॉडी को ये डिफेंस भी करते हैं जर्म से। कैसे जर्म से ये डिफेंस करते हैं कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अगर बॉडी में घुस जाता है तो उस वक्त क्या करता है, और बॉडी बिगिंस टू फॉर्म एंटीबॉडी एंड द एंटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रोटीन। और यही एंटीबॉडी जो है ये फॉरेन सब्सटेंसेस को जो हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको मारने का काम करता है। देन द नेक्स्ट डायनेमिक फंक्शन को हम लोग देखें तो ये रॉ मटेरियल के रूप में भी काम आता है। कैसे काम आता है उसको आप लोग देखिए, जब हम लोग डायट्री फूड से हम लोग प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन का क्या है कि हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब कि डाइजेशन होता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इट कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनोमर। मोनोमर इसका क्या है, एमिनो एसिड से, क्योंकि हम लोग शुरू में ही बताए थे कि प्रोटीन जो है ये पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, अर्थात द प्रोटीन का मोनोमर हुआ एमिनो एसिड। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस और द डाइजेशन ये प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स एंड दीज एमिनो एसिड्स आर अगेन यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। सो इट एक्ट्स एज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन। न्यू प्रोटीन के काम में ये आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल का भी काम करता है। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सो मेनी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, अलग अलग हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए भी हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो हर एक के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स भी जो है प्रोटीन्स का ही बने हुए होते हैं, जो कि हमारा आगे की ओर फंक्शन में, हमारा हार्मोनल एक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी काम आता है, दिस इज ऑल्सो ए डायनेमिक फंक्शन। कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम करता है, एक्चुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक आदमी का ब्लड दूसरे मनुष्यों में चढ़ाना, तो उसके पहले हम लोगों को एंटीबॉडी और एंटीजन का टेस्ट करना पड़ता है कि उसका एंटीबॉडी और एंटीजन मैच कर रहा है कि नहीं, ताकि उसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए। तो यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये भी प्रोटीन ही है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारा रोल अदा करता है। इसके बाद परसेप्शन ऑफ पेन एंड प्लीजर में भी मदद करता है। कैसे करता है, एक पेप्टाइड है जिसका नाम है इनकेफेलिन्स। तो इनकेफेलिन्स जो है जो कि केवल 5 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है और ये ब्रेन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, उससे ये बाइंड होता है। और जैसे ये बाइंड होता है तो हमें प्लीजर एंड पेन का जो है परसेप्शन महसूस होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोटीन है हमारे स्टोरेज प्रोटीन का काम करते हैं, इन जैसे कि एग में एल्ब्यूमिन के रूप में, इसके बाद ग्रेन्स में ग्लूटेन के रूप में, मिल्क में केसिन के रूप में, जो स्टोरेज प्रोटीन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्लड क्लोटिंग में भी, डायनेमिक फंक्शन में ब्लड क्लोटिंग में भी ये काम करते हैं, ये भी एक डायनेमिक फंक्शन है। जैसे कि ब्लड क्लोटिंग में जो है हुआ प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजिन एंड थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब के सब जो है ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग और काम इसका डायनेमिक वर्क देखें तो जेनेटिक कैरियर। तो जेनेटिक कैरियर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर। तो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में भी यह कैरेक्टर्स को ले जाने में काम करता है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन अगेन इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने ये डायनेमिक फंक्शन काम में काम आ रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन में भी ट्रीटमेंट का काम करता है, और उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन जो है हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, ये सेलुलर प्रोटीन है जो कि ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीटिंग में भी ये काम करता है। डिसइंफेक्टेंट का भी हमारा प्रोटीन काम करता है, प्रोटीन है जो कि बॉडी सरफेस ऑफ मैमल्स में ये पाया जाता है और जो पैथोजन्स है उसको किल करने के काम में आता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत काम बताया, वैसे बहुत सारे काम है लेकिन मेन जो है इसका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक फंक्शन जो है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, और हमारे बॉडी को इसीलिए ये हमारे इस प्रोटीन को हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक यही रीजन है कि इसे कहा जाता है। थैंक यू।